एक बार में विंटर सीजन का मैं पहला बार में मूली, ये मैं अलग तरीके से नई तरीके से मूली का अचार बनाने जा रही हूँ। मैं बिना कद्दूकस किए हुए बहुत सिंपल बहुत इजी वे में मैं बनाने जा रही हूँ। ये बार आपको भी ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बहुत यमी ये बनेंगे, बहुत आसानी से बहुत झटपट बनेंगे। ये मेरा आधा किलो के लगभग मूली है, ये मैंने लहसुन रखा है 2 पोटी के लगभग, इसको मैं पीसूँगी। मैं पहले इसको कट इसको छीलूँगी, छील के मैं इसको कट करूँगी, इतना 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 कट करके मैं इसको बॉयल करूँगी। बॉयल करके मैं पूरा एकदम अच्छे से बॉयल करके फिर मैं इसको पीसूँगी। देखिए मैं इसको ऐसे करके छीलूँगी, देखिए मैं इसको छील रही हूँ, ऊपर हम साफ करते हैं। देखिए मैं अब इसको छील रही हूँ, तो सबको ऐसे छील लूंगी। ये पत्ता का मैंने फेंका नहीं, मैंने इसको उबाल के रखा है, मैं इसकी चटनी बनाऊंगी पत्ते का। आराम से अच्छे से समूली को छील लूँगी, साफ कर लूँगी, साफ करके फिर धो लूँगी। अब मैं दूसरा मूली ले रही हूँ, दूसरे मूली को भी मैं ऐसे ही छीलूंगी पूरा, एकदम साफ कर लेंगे। इसको भी साफ कर रही हूँ, सब मूली को मैं ऐसे ही साफ कर लूंगी। इसके बाद फिर मैं धो के इसको कट कर लूंगी। मैंने चारों मूली को छील लिए हैं, बहुत आसान तरीके से बताए हैं हम आपको, बहुत इजी वे में। सुबह आपको जरूर ट्राई करेंगे, मैं और भी तरीके से बनाऊंगी, अगर आपको चाहिएगा तो बताइए, तो मैं बनाऊंगी, कोशिश करूंगी दूसरा भी बनाने का। बताइए कैसे बनते हैं। मैं सबको बिस्मिल्लाह, मैंने इतना बड़ा बड़ा मैं कट करूंगी, उसके बाद मैं धो के बॉयल करूंगी। बॉयल करूँगी मैं, अब इसको धो के इसको मैंने चढ़ा दिया है बॉयल करने के लिए। ऐसा बॉयल करूँगी, मुझे करना है कि वो हल्का गल भी जाए, गलना भी चाहिए, इतने ऐसा बॉयल होना चाहिए वो कि गल जाए। इस हिसाब से बॉयल करूँगी, मैं इसको सब कट करती हैं। एक बार जरूर तरीके से बनाए, अब एक बार मैं फिर मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। ठीक है, इतना छोटा छोटा करना है। लहसुन को करूँगी फोड़ूंगी, देखिए मैंने लहसुन को फोड़ लिया, मैं और फोड़ रही हूँ लहसुन। देखिए मैं लहसुन को कर लिया फोड़ लिया है, और मैं इसको पीसने जा रही हूँ हल्का सा पानी दे के। मैंने इसको या फिर बॉयल हो रहा है मेरा, बॉयल होने के लिए मैंने इसको चढ़ा दिए हैं। ये बहुत अच्छे से अभी पकेगा, गलेगा ये। देखिए मैंने और लहसुन लिया क्योंकि मुझे लहसुन कम लग रहे थे, लहसुन तो मैंने थोड़ा सा और लहसुन ले लिए हैं। देखिए मैंने लहसुन ले ली, और मैं इसको पीसूंगी पूरा अच्छे से, पेस्ट बना लूँ पीस के। छिलका जो है सबको मैं साफ कर लूँगी,
गंध भी अच्छा लगता है। ये भी मैदा अच्छे से उबल रहा है, देख सकती हूँ कितना अच्छा से उबल रहे हैं। और मैं एक सिजार आपको दिखाना चाहूँगी, और इसको भी मैंने उबाल के इमली के पत्ते को भी मैंने रख लिए। अब मैं इसको पीसूँगी, लहसुन मिर्चा डाल के इसकी चटनी बनाऊँगी मैं इसको। फिर मैं चटनी बनाने के लिए जा रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। ये मैं इसका रहेगा, ये पीसने जा रही हूँ। ये 5 मिनट और रहेंगे खटकेंगे, 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ूंगी ऐसे ही खटकने के लिए। ये मैं चला देती हूँ, ऊपर नीचे कर देती हूँ। थोड़े में रख गए हैं दोनों अच्छे से। ये पहले मैं लहसुन जा रही हूँ पीस के इसके लिए अचार के लिए, ठीक है। तो सब पानी दे के उसको ग्राइंड करूँगी, पीसूँगी, इसका एक पेस्ट बनाऊँगी। ठीक है, मैंने पेस्ट बना दिया। मैं लहसुन पीस के रखी हूँ अचार के लिए, ये मेरा हो चुका है एकदम अच्छे से। देखिए मैं इस गैस को बंद कर रही हूँ। मैं इस पत्ते का चटनी जा रही हूँ पीसने, इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि लहसुन तो पीसे हैं। मैं अभी जा रही हूँ इसको करके छान रही हूँ फ्राई कर करके कि पानी निकल जाए। इसको ऐसे करके रखते हैं, ये पर छना जाएगा। 3 पीस मिर्चा, नमक 1 चम्मच आप अपने अनुसार जितना खाती, और वो मैं ठंडा होगा तो उसी में सब मिक्स करूँगी। अपने अनुसार नमक हम इसको पीसने जा, ग्राइंडर में पानी नहीं डाली है क्योंकि पानी को ये है पत्ता है वो पानी छोड़ रहे हैं। इसको पीस रही हूँ, देखिए मैं चटनी पिसा गया। मैं इसको बर्तन में निकाल रही हूँ। अब मैं इसमें तेल डालें, अब मैं इसको मिक्स करें। देखिए मेरा शानदार चटनी मूली की तैयार हो चुकी है, इतना इजी वे में इसको बता रही हूँ। बताया मैंने आपको चटनी बनाना भी, अचार भी मैं बहुत तेज़ी से बना रही, मैं जो अचार बना रही हूँ वो धूप में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप झटपट बनाएं और खाएं बिना धूप दिखाए अचार। ये अभी और थोड़ा सा ठंडा होगा तब मैं मसाला मिलाऊंगी। बहुत इजी वे मैंने ये बताया आपको, बिना धूप देखा आसानी से बनाएं और खाएं। धूप वाला होती झंझट नहीं कि धूप उठाई रखी, धूप में कोई नहीं, आसानी से इसको शेयर कर सकते हैं कोई चीज के साथ, जिसके साथ आप खाना चाहें उसको आप इसके साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मैं इसे को शेयर कर लाइक कर कमेंट कर, जितना मैं मकदार सब बताऊँगी इतना 500 ग्राम में आधा किलो में उतने ही, ये 250 उतना ही आप सब दीजिएगा, इससे ज़्यादा कम बेश मत करिएगा नहीं तो कम हो जाएंगे। जितना मैं क्वांटिटी बताती हूँ वही क्वांटिटी में आप भी डालें मसाले से, इससे आपका भी अंदाज, जितना मैं अंदाज बताऊँ जितना मैं लूँ उतने ही आप भी लीजिएगा तो सही उतरेगा, नहीं तो सही नहीं उतरेगा, आपका भी गड़बड़ होंगे ही होंगे। अब मेरे लगभग ठंडे हो गए, अब मैं मसाला से मिक्स करी लहसुन का पेस्ट पूरा डाल रही हूँ। मिर्चा इसमें मैंने 3 चम्मच करके डालेंगे भर भर के, ठीक है।
अगर टीका नहीं खाती है अचार, तो ऐसे भी टीका होता है तो तभी टेस्ट है, नहीं तो नहीं टेस्ट है। सब प्रिंटी नमक एक डेढ़ चम्मच दो चमची के लिए, अब अपने अनुसार नमक। ऐसे तो नमक तीखा सब मसाला अच्छे से होना चाहिए तो टेस्ट है अच्छा। तेल पाँच पहले एकदम भर भर के मैं दे रही हूँ, तीन तेल मसाला ये सब एकदम अचार में एकदम अच्छे से रहने चाहिए, तभी स्वाद है सब कुछ। अगर चाहे तो एक आध घंटा के लिए धूप में रख भी सकती, नहीं तो नहीं भी रख सकती हैं। अब मैं सबको मिक्स करूँगी, मिक्स में अजवाइन, अगर आपके पास क्रॉन्जी वगैरह है वो भी डाल सकते हैं। मैं सबको मिक्स करेंगे, मिक्स में मैंने ही करके पूरा मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए कितना अच्छा शानदार कलर वगैरह आया है। लीजिए मैं तैयार हो गया, देखिए मैं तैयार हो गया मूली का अचार। आप इसको रोटी अचार चावल जिसके साथ पराठा जिसके साथ खाना चाहे खा सकते हैं। और युद्ध मेरी मूली की चटनी। एवं मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।